पुलिस ने कहा है कि एक 26 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को पटना में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भारत विरोधी विचारों का प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ निवासी मार्गव अहमद दानिश उर्फ ताहिर ने यह अपराध किया है। बताया जा रहा है कि ताहिर के भी पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह तारीके लबाइक से संबंध पाए गए। दैनिश गजवा ए हिंद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिसके माध्यम से उसने भारत विरोधी विचारों का प्रचार किया। उस समूह में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सहित कई विदेश नागरिक भी थे। उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया है और नंबर पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जान से पता चला है कि दानिश तारीके लबाइक से जुड़ा था। वह एक पाकिस्तानी नागरिक फैजान से नियमित संपर्क में भी था। जांचकर्ताओं ने पाया है कि समूह में राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक का अपमान करने वाले संदेश साझा किए जा रहे थे। दिल्लू ने कहा कि दानिश समूह का प्रशासक था और कोई अन्य विदेश समूह के संपर्क में भी था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें IPC और IET अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ED भी जांच में शामिल होगी। इस बीच पुलिस ने पटना और मोतिहारी जिलों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों पर छापा मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। पुलिस ने कहा है कि एक 26 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को पटना में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भारत विरोधी विचारों का प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ निवासी मार्गव अहमद दानिश उर्फ ताहिर ने यह अपराध किया है। बताया जा रहा है कि ताहिर के भी पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह तारीके लबाइक से संबंध पाए गए। दैनिश गजवा ए हिंद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिसके माध्यम से उसने भारत विरोधी विचारों का प्रचार किया। उस समूह में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सहित कई विदेश नागरिक भी थे। उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया है और नंबर पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जान से पता चला है कि दानिश तारीके लबाइक से जुड़ा था। वह एक पाकिस्तानी नागरिक फैजान से नियमित संपर्क में भी था। जांचकर्ताओं ने पाया है कि समूह में राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक का अपमान करने वाले संदेश साझा किए जा रहे थे। दिल्लू ने कहा कि दानिश समूह का प्रशासक था और कोई अन्य विदेश समूह के संपर्क में भी था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें IPC और IET अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ED भी जांच में शामिल होगी। इस बीच पुलिस ने पटना और मोतिहारी जिलों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों पर छापा मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।